अगर संभालना स्थिति संभालना मुश्किल हो जाए। बाबा बागेश्वर धाम की जो लोकप्रियता है इसे ये गलती ना करें, बाबा बागेश्वर धाम की जो लोकप्रियता है इसे ये गलती ना करें कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका दिमाग खराब हो गया, इनको मुल्ला मौलवी ईसाई धर्म के पादरी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है, हिंदू संत महात्माओं का विरोध कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो अवैसी का विरोध करें। देखिए अच्छी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट गई है, क्योंकि बिहार सरकार से तो न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और कई दलित संगठनों ने पटना उच्च न्यायालय में भी लोकहित याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया गया है और 8 तारीख को उसकी सुनवाई है, क्योंकि जिस तरह से रिहा किया गया है वो असंवैधानिक है, वो गैर कानूनी है, क्योंकि एक हत्या के मुजरिम को और आपने कानून में संशोधन करके रिहा कर दिया, यूं सरकार को रिहा करने का अधिकार है लेकिन एक खास व्यक्ति को रिहा करने के लिए अगर आप जेल मैनुअल में संशोधन करते हैं और वो भी ऐसी धारा में संशोधन करते हैं जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ जाए, ये निर्णय पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसलिए अच्छी बात है कि उनकी पत्नी गई है सुप्रीम कोर्ट और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी पत्नी को और न्याय अवश्य मिलेगा। अच्छा, बागेश्वर बाबा बिहार दौरा का विरोध करने के बाद कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका दिमाग खराब हो गया है, इनको मुल्ला मौलवी ईसाई धर्म के पादरी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है लेकिन हिंदू संत महात्माओं का विरोध कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो अवैसी का विरोध करें, अगर हिम्मत है तो मुल्ला मौलवियों का विरोध करें, लेकिन जो लोग धर्म जागरण के काम में लगे, समाज सुधार के काम में लगे, उनको गालियां दे रहे हैं, करें कि जेल में उनको होना हिम्मत है तो पकड़ के बंद करें जेल के अंदर, बिहार के अंदर संभालना स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम की जो लोकप्रियता है इसे ये गलती ना करें। और जगता बाबू कह रहे हैं कि नफरत की भूमि पर राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल को तो हिंदू देवी देवताओं को हिंदुओं के संत महात्माओं को अपमानित करने में आनंद की अनुभूति होती है, इनको लगता है कि अगर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करेंगे संत महात्माओं को करेंगे तो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो और सुदृढ़ होगा, वो गलतफहमी में है। अगर किसी ने भी बाबा के कार्यक्रम में छेड़छाड़ करने की हिम्मत की तो देखिए हजारों लाखों लोग जो इकट्ठा होंगे वो उसका प्रतिकार करेंगे, इसलिए नीतीश जी समझाइए राजद के लोगों को कोई ऐसी गलती न करें जिससे बिहार के अंदर तनाव का माहौल पैदा हो। नीतीश कुमार जी पीएम देवदारी को लेकर विपक्ष के एकजुट कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, करते रहें, कौन पूछता नीतीश कुमार को, वे एकजुट करेंगे। चलिए।